ये 100 करोड़ रुपया सिर्फ टीवी चैनल वाले को देना पड़ता है 1 साल का, और उस सब का खर्चा जोड़ के कस्टमर से ही लिया जाता है टीवी प्रचार में। उसके बाद इसको खरीदता है सीएनए, हर राज्य में सीएनए होता है। जैसे कलकत्ता का सामान बिहार में आएगा तो जब तक ये पास नहीं करेगा तो सामान बिहार में एंट्री नहीं कर सकता है। तो ये कहता हम पास कराने का 1% हमको भी चाहिए, चलो दाम हो गया 7। उसके बाद वो सामान को खरीद के लाता है कोई स्टॉकर या डीलर। अब ये कहता है 1% हम इतना पूंजी लगाए तो हमको भी दो, 8 हो गया। उसके बाद वहाँ से वो सामान आता है होलसेलर के पास, पलासी कलियागंज के होलसेलर के पास। अब ये कहता है हमको भी 1 रुपया दो, नहीं। उसके बाद आता है गांव मोहल्ले के दुकानदार के पास, जिसको बोलते हैं रिटेलर, 1 रुपया इसको भी चाहिए, दाम हो गया 10। अब आपको साबुन लेके नहाना ही है ना, तो आपको तो चाहिए साबुन, साबुन चाहिए। तो आप क्या है कस्टमर, हम लोग क्या है ग्राहक। अब ग्राहक को साबुन चाहिए तो वो दुकानदार के पास गया, 10 रुपया दिया और साबुन लिया घर। आप जो 10 रुपया दिए कंपनी कह रही है हमको तो 5 ही मिल रहा है, बड़े 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 कंपनी को जा रहा है 5, तो 5 रुपया ग्राहक से लेके किसको दिया जा रहा है, तो 5 रुपया दिया जा रहा है ये सेठ साहू मारवाड़ी। एक 10 रुपये का साबुन अगर आप खरीदते हैं बाजार में तो 5 रुपया कंपनी को जा रहा है, 5 रुपया ये सेठ साहू मारवाड़ियों को पूंजीपतियों को जा रहा है। तो एक साबुन से आपका 5% आपके प्रॉफिट से जा रहा है। तो सोचिए दिन भर कितना सामान खरीदते हैं आप, महीना में कितना सामान खरीदते हैं, सारे सामान से आपका पैसा आपके जेबों से निकल के आधा पैसा ये सारे बिजनेसमैन लोगों के जेबों में जा रहा है। दादाजी का भी गया, अब्बा का भी गया, अभी आपका भी जा रहा है। तो ग्राहकों के पैसे से ही ये बिजनेसमैन लगातार अमीर होते जा रहे हैं। अमीर इस देश में और अमीर होता है, गरीब जहाँ के वहीं पड़ा, क्योंकि ग्राहकों का पैसा इन लोगों के पास जा रहा है। इसी प्रकार पैसा तो जा ही रहा, चलिए हम लोग बहुत अमीर आदमी है, खिलाते हैं उसको खाने के लिए, बेचारा गरीब आदमी है सर बीच वाला सर, हम लोग अमीर है ना क्या यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन हम लोगों को पैसा एक खा रहा है। एक तो पैसा जा रहा है, अब बीच बीच में क्या होता है ये बाबू साहब इसमें इससे मिल करके डुप्लीकेट कंपनी लक्ष्य का डुप्लीकेट भी आता है। वो डुप्लीकेट कंपनी वाला इस सी एन एफ को कहता है कि अपने माल पास करा दीजिए ना डुप्लीकेट वाला, तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, बीच में घुस जाता है डुप्लीकेट वाला। अब डुप्लीकेट में क्या क्या बुक है, डुप्लीकेट में क्या क्या डुप्लीकेट आ रहा है हम नहीं बोलते हैं, पेपर में छपा इसका बच्चा रोता है। अब डुप्लीकेट कैसा कैसा सामान बिक रहा है, मसाला में घोड़े का लीद मिला के बेचा जा रहा है, किसने धनिया पाउडर में, क्योंकि धनिया पाउडर और घोड़े का लीद देखने में एक ही जैसा लगता है। और ये बिचौलिया सब क्या कर रहा है, वो तो घोड़ा का लीद उठा के लाया और इधर से धनिया लाया, दोनों मिक्स करके मिला करके उसमें कल खुशबू लाने के लिए केमिकल आता है मिला दिया, एकदम प्योर धनिया हो गया और अच्छा अच्छा कंपनी के नाम से डुप्लीकेट पैकेजिंग करके बेचा जा रहा है। हम लोग देखते और पैकेज पलंगे कंपनी, आप पैकेटे ना देखिएगा, माल तो नहीं देखते, हंडी में डाले पका लिए खा लिया, आप कौन खा रहा पता नहीं। लेकिन ये बात जब पता चला मीडिया वाले को तो छापामारी किया, अब तो सही में पकड़ा गया तो एक पेपर में छाप दिया कि मसाले में घोड़े की लीद मिला के बेची जा रही है, सरसों के तेल में जला हुआ मूविल मिला करके बेचा जा रहा है मार्केट में, जीरा में चिरकाटी, गोलमरीच में पपीता का बीज, हल्दी में अरवा चावल, मिर्ची में भट्टा की तुलसी, चाय पत्ती में जूता सना हुआ चप्पल का कतरन, इस तरह की मिलावटी चीज हर चीज का अंदर में दो तरह का सामान है, डुप्लीकेट भी है और ओरिजिनल भी है। लेकिन दुकानदार लोग बीच वाला लोग ज्यादातर डुप्लीकेट बेचता है, क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा बेनिफिट है, उसको उसमें ज्यादा फायदा है। तो आज हम लोग जिन जिन बीमारियों में फंसे हुए हैं, अभी आपको बताते हैं कि अपने देश में 130 करोड़ लोग हैं, कितना लोग हैं 130 करोड़। जो जो बीमारी बाप दादा को नहीं हुआ था, आप देखिए कौन कौन बीमारी हम लोगों को पकड़ रहा है। अभी सरकार का एक रिपोर्ट आया कि हार्ट के पेशेंट पूरे भारत में 5 करोड़ 45 लोगों को हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज चीनी की बीमारी 7 करोड़ 7 लाख लोगों को, हाई ब्लड प्रेशर 20 करोड़ 7 लाख लोगों को, ओबिसिटी 13 करोड़ 5 लाख लोगों को, थायराइड की बीमारी 4 करोड़ 2 लाख लोगों को, कैंसर 4 करोड़ लोगों को,
अल्सर की बीमारी है 4.95 लाख लोगों को, अल्जाइमर की बीमारी 4 करोड़ लोगों को, सारी खतरनाक बीमारियां हैं जो बाप दादा को कभी नहीं हुआ था, खतरनाक बीमारी सब जो अब हो रहा है। और ऐसी बीमारी है कि इसका कोई इलाज अभी तक धरती पर नहीं है, जिसको पकड़ लिया है बीमारी तो एक ही चीज है, जब तक उसका हयात है तब तक उसको दवाई खाना पड़ेगा, जब तक जिंदगी है तब तक उसको दवाई चाहिए ही चाहिए। अगर गलती से हम और आपके परिवार में बीमारी कर लिया तो जमीन बिक जाता है, मवेशी बिक जाता है, कर्ज में डूब जाता है। तो ये बीमारी का कारण क्या है? दो कारण है। पहला कारण है खेतों में उपजने वाले अनाज और सब्जी और फल, ये सारी चीज केमिकल खाद से हो रहा है, इसके खाने से बीमारी हो रहा है। लेकिन उससे भी खतरनाक है ये बाजार में बिकने वाला डुप्लीकेट सामान, इसको खाकर लोग ज्यादा बीमार हो रहा है। तो पैसा भी जा रहा है ग्राहक का, इन लोगों के पास, और ग्राहक को डुप्लीकेट सामान भी दिया जा रहा है, इसलिए लोग तरह तरह की बीमारियों में फंस रहे हैं। और सरकार भी इस बाजार से परेशान है, इसका टैक्स का चोरी हो रहा है, तो GST लाओ फलाना लाओ फिर भी टैक्स का चोरी बंद नहीं हो रहा। तो इसी सब समस्या को देखते हुए कि ग्राहक का पैसा ये लोग न खाए, ग्राहक को डुप्लीकेट सामान न मिले और टैक्स का चोरी न हो, तो उसका उपाय खोजा गया। क्या उपाय निकलेगा? बहुत सोचा विचारी करने के बाद एक उपाय निकल के आया, यहाँ एक तरीका है जिससे ग्राहक का पैसा भी बच सकता है, ग्राहक को डुप्लीकेट सामान भी नहीं मिलेगा और सरकार को टैक्स भी मिल जाएगा। और उस तरीके को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कंपनी बनाए और सीधे ग्राहक को दे। क्या करेगी इसका समस्या का समाधान क्या है? यानी ग्राहक का पैसा इसके पास न जाए, डुप्लीकेट सामान न मिले, टैक्स की चोरी न हो, तो उसका उपाय क्या है? उपाय यही है, कंपनी बनाए और सीधे ग्राहक को दे देगा तो सारा समस्या खत्म। यही डायरेक्ट सेलिंग के काम कर रही है कंपनी राजस्थान की है, भीलवाड़ा शहर की, अपने इंडिया की कंपनी। ये कंपनी 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी, यानी आज से 22 साल से चल रही है। ये क्या करती है? ये सामान बना के सीधे ग्राहक को देती है। अब 10 रुपए का साबुन यहाँ है तो यहाँ भी रेट वही 10 रुपया। यहाँ लक्ष साबुन आप 10 रुपए का खरीदते हैं तो 5 रुपया कंपनी को जाता है और 5 रुपया ये लोग खरीद खा जाता है। यहाँ 10 रुपए का साबुन में RCM भी 5 रुपया ही लेती है, RCM कंपनी को भी 10 के साबुन में 5 रुपया जाता है, लेकिन 5 रुपया यहाँ बच जाता है क्योंकि बीच में कोई आप और कंपनी के बीच में कोई है नहीं, तो ये पैसा बच गया। जो पैसा ये लोग खा रहा था वो पैसा यहाँ बच गया। ये पैसा किसका बचा? ग्राहक या कंपनी का? बहन लोग बताइए किसका बच रहा है? हाँ, इधर पीछे वाले ध्यान रखिएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ 5 रुपया ये टीवी चैनल, स्टॉकर, होलसेलर और छोटा दुकानदार जिनके खा जाता है आपका, और यहाँ कंपनी डायरेक्ट आपको सामान देती, बीच में कोई है नहीं। यहाँ भी 10 रुपए का साबुन लेता है 5 टका कंपनी को जाता है, यहाँ भी 10 रुपए का साबुन में 5 टका कंपनी को जाता है। यहाँ 5 रुपया ये लोग खा लेता है, यहाँ 5 रुपया बच जाता है। ये पैसा किसका बच रहा है? ग्राहक का या कंपनी का? ग्राहक का, हम और आपका। ये पैसा कंपनी करती है, हम बचा के ग्राहक का ग्राहक को वापस दे देंगे, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना? लेना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि आप मेरा सामान खा रहे कि बाबा रामदेव के पतंजलि का सामान खा रहे? कोई सबूत तो चाहिए, तो इसमें सबूत के लिए कंपनी करती है, आओ हमसे जुड़ जाओ और एक राशन कार्ड बनाओ, ठीक है? जो कार्ड बनाने के लिए आधार, पासबुक, फोटो, नॉमिनी का आधार, ये सारा चीज देते हैं, तो आपको एक कार्ड नंबर मिलता है। इस कार्ड नंबर मिलने के बाद आपको पहली बार 2000 का राशन खरीदना होता है, कार्ड हो जाता है चालू। ये कार्ड नंबर मिलने के बाद पूरे भारत में 16,000 दुकानें, कितना? 16,000 दुकानें कंपनी का। अब बोलेगा इधर कहाँ है? तो आपके कुजरी हाट में, इधर बरौरबट्टा में, सुट्टी चौक में, आपके पलासी में है, पंचिया में है, निशान चौक में, जिधर जाइए सब जगह हर चौक पे इसकी दुकान है कंपनी की। तो ये 16,000 दुकान में अपने कार्ड पे आप कहीं भी सामान खरीद सकते हैं। ये कार्ड अगर किसी का यहाँ दिया तो जिस आदमी दिल्ली में रहता है तो ये कार्ड नंबर पर दिल्ली में भी सामान लेके कंपनी की दुकान में खरीद के खा सकता है। ये कार्ड एक बार बन जाएगा तो ये आपके मरने के बाद ये कार्ड आपके बच्चों को काम आएगा। एक बार अगर कार्ड बन गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्ड काम आता है। दूसरा नंबर चीज ये है कि यहाँ पे जो भी सामान मिलता है 100% ओरिजिनल, मिलावट का कोई खतरा नहीं। बोलिएगा कैसे नहीं आपके में मिलावट है? हम नहीं मानेंगे,
तो हमारे यहाँ जो भी सामान मिलता है उसका पक्की बिल मिलता है, यानी कंप्यूटराइज बिल मिलता है। हर सामान को आपको कंप्यूटर में चला के उसका बिल दिया जाता है। डुप्लीकेट सामान का कभी भी पक्की बिल नहीं देगा, ओरिजिनल ही सामान का देगा। तो ये सबसे बड़ा सबूत है। तो इस तरीके से ग्राहक को डुप्लीकेट यहाँ मिलने का चांस खत्म। अब जब मिलावटी चीज नहीं खाएंगे तो सेहत अच्छा रहेगा। और सरकार भी बड़ी खुश हो गई इस मार्केट से कि साला यहाँ एक रुपये का शैम्पू भी बिकता है पाउच, तो सरकार को ईमानदारी से टैक्स दिला जाता है क्योंकि कंप्यूटराइज बिल करता है। तो सरकार को पता चलता है कौन दुकानदार किस ग्राहक को बेचा, सारा रिपोर्ट उसके पास चला जाता है। इसलिए सरकार का टैक्स का चोरी नहीं होता। सरकार भी खुश हो गई कि यही मार्केट चलना चाहिए। और ग्राहक सामान मिल रहा है। अब उसको रोक करके हम बता रहे हैं कि इसमें सामान में कुछ क्वालिटी है। आप लोग अभी तक खा रहे हैं सरसों का तेल, अब क्या है सरसों में मिला मुझे पता नहीं, जो यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अपने पास जो तेल आता है वो तेल चावल के छिलके का आता है, न सरसों न सोयाबीन न मूंगफली, ये चावल के छिलके का तेल होता है। पहले धान को ओखलियों में कूटा जाता था, चावल लाले लाल होता था और लाली भात खा करके यानी बासी वाला भात खा करके भी लोग हड़वाई चरवाही करता था, दिन भर कोई बीमारी नहीं होता था। अभी सब डॉक्टर कहता है कि भात मत खाओ, क्यों? क्योंकि चावल का वो असली चीज को राइस मिल में निकाल लिया जाता है और यूरिया मार के चमकदार बना करके आपको दे दिया जाता है। उस चावल में कुछ रहा ही नहीं, उसी लालीपन से उसी ब्राउन से निकाला जाता है तेल, जो असली चीज था वो निकाल के निकाल दिया तेल। इस तेल में अल्लाह पाक ने तीन तरह का कुदरती गुण यानी दवाई वाला गुण डाल रखा है, जिसका नाम साइंस ने खोज किया टोकोफेरॉल ओरिजिनल टोकोट्रिनोल से। तीन तरह की दवाई इस तेल में पाया जाता है। तो बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं, एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं और पूर्णिया के भी कई डॉक्टर कह रहे हैं कि यह तेल जो भी खाएगा उसको 24 तरह की बीमारी नहीं होगा। कौन तेल? चावल के छिलके का तेल खाएगा, 24 तरह की बीमारियां नहीं होगी। सबसे पहला फायदा इस तेल खाने का है कि कितना पुराना गैस्ट्रिक पेशेंट है, डेली गैस का गोली खाना पड़ता है, गारंटी है। ये तेल घर में शुरू कर दे खाना, उसको कोई गैस की गोली नहीं खाना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा गैस बनता है तो एक ढक्कन तेल यानी एक थैली तेल पी लीजिए, आधा घंटा में गैस खत्म। अगर यही तेल खाते रहेगा तो ना बच्चा से बूढ़ा तक का कभी पेट नहीं झाड़ेगा। तो ये तेल आपको गैस की बीमारियों से रोकथाम करता है। इसी के साथ साथ ये तेल अभी से अगर आप खाते रहिएगा तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर जब बढ़ता है तभी लकवा मारता है। तो ये तेल आपको प्रेशर को कंट्रोल लगता है, ये चीनी की बीमारी को कंट्रोल लगता है, ये हार्ट फेल होने से बचाता है। अभी एक तो आदमी बहन लो, हेलो दीजिए, हम इतना गला उतार रहे हैं और आप लोग आपस में गप कीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा, आप तो अपनी मीटिंग में ताली बजवाते हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन नहीं बजा रहे हैं अभी, तो बजाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी 100 आदमी की मौत होती है ना, अभी 28 आदमी की मौत हार्ट फेल होने की वजह से हो रही है। लोगों का इतना तेजी से हार्ट खराब हो रहा है और यह तेल आपके हार्ट खराब होने से बचाता है। तो इस तेल के कई फायदे हैं, लेकिन इसकी एक खूबी है कि ये तेल जलता कम है। एक बार ताली बजाइए, ध्यान रखिए। तो यह तेल जलता भी कम। अगर 1 kg तेल बाजार का सरसों तेल में कोई चीज बनवाइएगा तो ये 3 पाव में बन जाएगा, ये तेल जलता कम, ठीक है। तो ये तो रहा तेल की बात। अब हल्दी खाते हैं आप लोग, हल्दी में 14 एंटीबायोटिक गोलियों का दवाइयों का गुण मौजूद होता है, कुदरत का दिया हुआ, ये पहले के जमाने का दवाई है। अच्छा आप लोग हल्दी क्यों खाते डालते हैं सब्जी में? हल्दी क्यों डालते हैं? रंग के लिए, तो पट्टा रंगाने वाला रंग भी मिला दीजिए। हल्दी में 14 एंटीबायोटिक दवाइयों का गुण मौजूद है, लेकिन हल्दी का दो चीज बहुत नुकसान है। हल्दी का दो चीज सबसे ज्यादा नुकसान है, पहला है उसका छिलका और उसका बीज। अगर घर का हल्दी खाते हैं तो छिलके को निकालिए, बीज को निकालिए, केवल गूदा पीस के खाइए। क्या ऐसा करते हैं आप लोग? नहीं करते। और बाजार का जो हल्दी लाते हैं कोई छिलका साइड नहीं होता, कोई बीज नहीं, और उसमें थोड़ा सा मिलावट करके बेच दिया जाता है। और गांव में आता है 100 में 1.25 kg ले लो और आप लोग भी ले लेते हैं रम समझ के डाल लें। इसीलिए बार बार ठंडी जुकाम लगना, बार बार खांसी होना, शरीर में दर्द होना, ये सब क्यों हो रहा है? डुप्लीकेट हल्दी खाने की वजह से, ओरिजिनल नहीं खा रहे थे। तो ओरिजिनल हल्दी खाइए, आपको ये सारी बीमारियों से बचा सकता है। तो अपने पास जो हल्दी आता है इसका छिलका, इसका बीज निकाल करके
दूध पीस करके देता है। बहुत ज्यादा अगर खांसी होता है तो गर्म दूध में एक चमची हल्दी डाल के घोल बना के पी लीजिए, आपका खांसी कंट्रोल कर सकता है। बाजार का दो चमची हल्दी सब्जी में डालिए, एक चमची घास बराबर। इस तरीके से क्वालिटी की बात अगर हम थोड़ा सा कर रहे हैं। अब चाय पीते हैं, अब कैसे पता चलेगा कि आपका चाय ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? यहाँ ज्यादातर कौन कंपनी वाला चाय चलता है? बंसल। अब बंसल मान लीजिए, बंसल वाला कंपनी हम लोग आसाम में बनाते हैं। आई सिराज को पता चल गया कि बंसल चाय ज्यादा चलता है इधर, ये भी क्या किया, बंसल का पैकेट मंगा के आधा चाय पत्ती आधा जूता चप्पल का कपड़ा मशीन में उतर करके मिक्सिंग करके केमिकल मार के पैक कर दिया, बेच रहा है मार्केट में। और आप हम सोच रहे हैं बंसल तो पी रहे हैं, लेकिन आज पता चल जाएगा बंसल पी रहे हैं क्या। उबलते हुए पानी में जैसे चाय की पत्ती डाले तुरंत पानी लाल हो जाए तो समझिए वो चाय पत्ती नहीं है, वो चाय पत्ती नहीं है, वो मिलावटी चाय पत्ती है, केमिकल है। जैसे पानी में जाएगा और रंग छोड़ देगा। ओरिजिनल चाय पत्ती धीरे धीरे रंग छोड़ता, तब आप ओरिजिनल चाय पी रहे। अब अगर डूबे से मिलावटी चाय पिएंगे तो अल्सर की बीमारी को बताया गया, वो मिलावटी चाय पीने की वजह से। गैस जो ज्यादा बन रहा है वो चाय पीने की वजह से बन रहा है, जबकि चाय पीने से फुर्ती आना चाहिए, चाय पीने से टेंशन कम होता है, चाय पीने से टेंशन बढ़ जाता है, भूख मार देता है। क्यों? क्योंकि आप केमिकल वाली चाय। तो इसका एक एक दाना शुद्ध है, इसको बनाइए। कभी कभी बाजी लोग क्या बोलती है, सर आपका चाय में रंग नहीं पकड़ता। तो उसी में हमको पता चला कि आखिर चक्कर क्या है, तब पता लगा है तो वो लोग जो देती है मिलावटी डालती है सब रंग पकड़ लेता है, तब हमको बताना पड़ा कि नहीं इसको थोड़ा देर उबालिए इसको पीजिए। इसी चाय पत्ती को उठा के फिर ढक करके अच्छा कम बर्तन में रख दीजिए, आधा एक घंटा के बाद फिर चाय पीने का मन है, फिर उसी में दूध पानी डाल करके फिर चाय बना लीजिए दोबारा, वैसा ही चाय। और इसे चाय पत्ती से दो बार तीन बार चाय बना के पिया जा सकता है। बता देते हैं प्रोडक्ट का, तेल के बारे में तो हम बता दिए, इसका एक लीटर 5 लीटर और 15 लीटर का आता है। उसी तरीके से एक टेबलेट एक कैप्सूल है, कैप्सूल इसमें 17 बीमारियों का इलाज है। कितना है? 17 बीमारी का इलाज है। पहला सबसे बड़ा, अभी दांत में उषा काटा के अंदर में एक महिला को शिकायत हो गया दांत में जख्म, शक हो गया, पटना लाके जांच किया, वहां निकला कैंसर। अब वो हमारे आरसीएम से जुड़ी हुई थी, तो उनकी यहाँ पर बहन की बेटी है मजलिसपुर में, मंडल जी है, उसने फोन किया कि ऐसा ऐसा बीमारी हो गया सर, कोई दवा आरसीएम में? हमके हाँ है, कामा ओरिजिनल उसको खिलाओ दो गो सुबह दो गो शाम। और बोलते हैं एक डब्बा खाते खाते उसका जख्म खत्म हो गया, तीन डब्बा खिला के फिर पटना ले आके चेक कर दो, ऐसे कैंसर तक ठीक हो रहा है। एक आदमी को लकवा बहुत दिन से मारे हुआ था, इस टैबलेट को तीन को सुबह तीन को शाम खिला रहे, हाथ पांव काम करना शुरू कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी ना हो, लकवा जैसी बीमारी ना हो, प्रेशर हाई ना हो, गैस ज्यादा ना बने, चीनी कंट्रोल रखे, ठीक है, घुटनों में दर्द ना हो, थायराइड की बीमारी जो सर में हमेशा दर्द रहता है वो ना हो, हां बढ़िया पकल ये कौन है पहले दाग लगे खाना खाने से पहले इसको अगर खाए तो इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, तो इसको आप लोग खा के स्वस्थ रह सकते हैं। अगर जा आज मैं खाना का दिन पकल बात करूं तो ढेर सारा सामान है, तो यहां पे जो भी जैसे नमक आप लोग यूज करते हैं, नमक में अगर आयोडीन की कमी होगी, शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा, थायराइड की बीमारी, पहले घेगा का बीमारी होता था, अब थायराइड की बीमारी, प्रेशर लो, फलड़िया का बीमारी, पांव फूल जाना, याददाश्त कम हो जाना, कहीं रख दिए कोई चीज यदि याद ही नहीं आ रहा। और गर्भवती महिला जो माँ बनने वाली है नहीं खाएगी तो बच्चा अपंग जन्म ले सकता है या दिमाग से वो कमजोर हो सकता है। क्यों? आयोडीन नमक नहीं खाने से। क्या बाजार में जो नमक बिक रहा है उसमें आयोडीन है? है, हाफ है, 1.5 मिलीग्राम है। हम लोग को शरीर को 3 मिलीग्राम देनी चाहिए, और 3 मिलीग्राम वाला सिर्फ एक टाटा कंपनी में, और कोई नहीं। तो इस तरीके से जो नमक आता है यहाँ पे फुल आयोडीन नमक आता है, उसके साथ साथ घूमने में। अब कोई पुरुष है, मर्द लोग है, अगर आप चाहते हैं कि हम दिन भर काम करते हैं, थकान कमजोरी चिड़चिड़ापन गुस्सा ज्यादा आना हड्डियां कमजोर होना, तो एक मल्टी विटामिन 3 पाव दूध हर औरत को डेली पीना चाहिए, मर्द को भी पीना चाहिए, आधा केजी सब्जी डेली खाना चाहिए, आधा केजी फल काजू किशमिश पिस्ता बादाम अखरोट नाशपाती केला पपीता सब मिला के खाना चाहिए। यहाँ तो आधा केजी सब्जी में पूरा परिवार खाता है, फल तो कोई मेहमान आएगा बेचारा तभी लेके आएगा तो खाया जाएगा,
नहीं तो कुछ पैसा वाला आदमी है तो सीजन में कभी सेब खा लिया, कभी संतरा खा लिया, दूध यहाँ चाय का मिलता है तो पीने के बाद तो दूर की बात है। तो ये सब चीजें जो नहीं खा रहे हैं इससे शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी हो रही है, और विटामिन ए जब शरीर में कम होता है आंखों से दिखाई कम पड़ता है, कैल्शियम फॉस्फोरस विटामिन डी कम हो जाएगा तो हड्डियां कमजोर, दांतें समय से पहले जड़ जाएगा। इसी तरीके से आयरन फोलिक एसिड शरीर में घटेगा तो खून की कमी होगी, एनीमिया का बीमारी हो जाएगा। तो ये सब चीजें होता है विटामिन और मिनरल नहीं खाने की वजह से। तो एक टेबलेट है ये मर्द के लिए रोजाना नाश्ते के बाद खा ले, तो वो जितना फल नहीं खाया, सब्जी नहीं खाया, दूध नहीं पिया, वो सब कुछ को इसी में डाल दिया गया। एक टेबलेट रोजाना नाश्ता के बाद खा लीजिए, दिन भर कितनों काम कीजिए, कोई थकान नहीं, कभी कोई विटामिन की कमी आपके शरीर में नहीं होगा, और सैकड़ों बीमारी को रोक देगा। कोरोना का इंजेक्शन कितना कितना लोग लगवाए, कोरोना वैक्सीन लगाए तो हाथ खड़ा कीजिए, जो लोग लगाए जो ने लगाए डर से कि बच्चा को बच्चे नहीं होगा इसलिए लगाए। अच्छा आप लोग नहीं लगाए क्या? ना हम लोग नहीं लगाए। अरे हम लोग नहीं लगाए, बताइए डर से नहीं लगाए। ये बात क्या कहता था, पोलियो वाला जब पोलियो का दवाई पिलाने आता था 20 साल पहले तो लोग कहता ना हम अपने बच्चा को नहीं पिलाएंगे, काहे सुने कि बच्चा को बच्चे नहीं हो। अब लोग फलना सरकार कर दिए है, नहीं आज देखते हैं हर गांव में नंगड़ा रुल्ला पहले मिल जाता था, अब मिलता है। तो पोलियो का दवाई उस बच्चा को पिलाया गया कि आगे चल के उसको पोलियो ना मारे, वैक्सीन इसलिए लगाया गया कि अगर कोरोना आए तो आपको पकड़ ले तो हल्की फुल्की दवाई से आप ठीक हो जाए, इसलिए लगाया गया। तो खैर उसके लिए आपका जो सोच था नहीं लगाया लग पाते, तो उसी तरीके से बीमार ना पड़े। अच्छा कितने लोग चाहते हैं बीमार हो करके डॉक्टर के यहाँ जाए, बीमार होकर के डॉक्टर के कितने लोग जाते हैं? वो बहन जी एक बार ताली बजाइए। अच्छा कितना लोग चाहते हैं बहन जी आप लोग चाची लोग कि हम डॉक्टर के यहाँ जाए, बीमार हो जाए, सुइया लगे, पानी चढ़े, काट चीर फाड़ हो, कितना लोग चाहते? कोई नहीं चाहते, चाहते तो नहीं है, लेकिन उसका उपाय जो जो चीज खाना चाहिए नहीं खा पा रहे। तो ये मल्टी विटामिन है, सबको खाना चाहिए उसी फल फूल सब्जियों से निकाल के। तो ये मर्द के लिए मन तो एक ओमेन टेबलेट औरतों के लिए आता है, जिस औरत को लिकोरिया यानी धात की बीमारी है, जिस औरत को बवासीर की शिकायत है या मर्द को है, या जिसको खून कम बन रहा है, डॉक्टर कहता है कि ब्लड नहीं बन रहा है तुमको, यानी एनीमिया की बीमारी हो गई है, वो टेबलेट मंगवा रहे हैं उसके साथ नहीं है बोल के वाला। ये वाला एक पाउडर आता है जिसको दूध में घोल के पीने से, और एक टेबलेट आता है मल्टीविटामिन उसको खाने से। कितना पुराना लिकोरिया पेशेंट है, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ 90% इंशाल्लाह गारंटी दे करके सैकड़ों पेशेंट को ठीक कर चुके हैं, वो तो मरने वाला ठीक है, सैकड़ों पेशेंट ठीक हो चुकी है लिकोरिया का बीमारी, उसका दांत का बीमारी खत्म हो गया। ये और साथ में ये वाला टेबलेट आता है, इसको अगर कोई खा ले 1 से 2 महीना, ये महिला के लिए टेबलेट है और साथ में पाउडर है, तो उसका वो बीमारी दूर हो सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग दिन भर काम करें, थकान उकान ना हो बुझाए, कमजोर ना बुझाए, और स्वस्थ और सुंदर दोनों बने रहे, तो ये वाला औरत वाला टेबलेट रोजाना एक बो जरूर खाइए। इसमें 53 तरह की विटामिन और मिनरल्स है, 53 तरह का फल और सब्जी खाने से जो विटामिन शरीर को मिलेगा वो सारा चीज इसमें डाल दिया गया है। तो इस तरीके से इसमें साथ में अगर कोई बच्चा है 2 साल से 12 साल का, पढ़ता लिखता है, भूल जाता है, खाना नहीं खाना था, चाहता है, ठंडी जुकाम बार बार पकड़ता है, हाइट नहीं बढ़ता है, हवा में डोल रहा है, तो उस बच्चे के लिए किड्स पाउडर आता है, इसको दूध में घोल करके पिलाइए, चॉकलेट टाइप करता है, एक आम के टेस्ट में लगता है, तो उसको दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज दे रही है कंपनी कि हम जो भी सामान देंगे आप उसको खा के स्वस्थ रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। कंपनी का मकसद है कि लोग बीमार कम पड़े, उसके लिए उसको अच्छा भोजन करना पड़ेगा, जैसा भोजन वैसा उसका स्वास्थ्य होगा। तो शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए। उसके साथ साथ अब ये रहा तीसरा नंबर चीज, इतना अच्छा क्वालिटी का सामान तो आरसीएम देती ही है, लेकिन अगर इसका रेट बाजार में जाकर टक्कर कीजिएगा तो बाजार की कंपनी का रेट ज्यादा, इसका रेट कम है, यानी लो प्राइस में देती है। अब बोलिएगा नहीं आरसीएम का दूध महंगा आता है, मैं प्रूफ करता हूँ महंगा नहीं आता है। जियो का सिम किस किस के पास है? लगभग के पास है। आपको लगता है कि केवल जियो कंपनी सिम ही बेचती है? वोचर नो, अब जियो बेच रही है पेट्रोल डीजल भी, और जियो बेच रही है खाने का तेल भी, ठीक है, और वो कौन तेल बेच रही है? यही चावल के छिलके का तेल बेच रही है। कितना रुपया लीटर? ऑनलाइन चेक कीजिए मोबाइल, 290 रुपया।
290 रुपया बेच रही है, और यही तेल RCM कंपनी 280 रुपया में लाए। अब ये तेल का तो फायदा हम बता दिए, अब रेट बता रहे हैं। 290 रुपया में जियो कंपनी बेच रही है, RCM 280 में। जो नमक टाटा का फुल आयोडीन, एक हाफ आयोडीन आता है 25 रुपया किलो, और एक आयोडीन आता है इसका 38 रुपया किलो नमक। ये जितने भी डॉक्टर इंजीनियर पैसे वाले लोग और मारवाड़ी समाज है 38 टका वाला खा रहा, और इसका टीवी में प्रचार आता है। और वही नमक RCM आम आदमी गरीब आदमी के लिए 20 रुपया में लाइए, सेम क्वालिटी। उसी तरीके से डिटोल साबुन खास खुजली से बचने के लिए लोग लगाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का 45 रुपया में 100 ग्राम, और अपने यहाँ आता है 40 रुपया में 100 ग्राम। कपड़ा धोने का साबुन इधर कौन यूज होता है आप लोग के यहाँ ज़्यादा, कौन कंपनी का साबुन जो कपड़ा धोने वाला कौन यूज करते हैं? सर्फ एक्सेल। सब कंपनियां यहां कुल्ला साबुन, कुल्ला नेपाली साबुन, डोली साबुन, नंगे साबुन। हां डोली वाला कपड़ा नहीं पहनाया। एक जगह एक आदमी आया मेरे दुकान पे, ठीक है चलिए, एक सर्फ एक्सेल साबुन आता है कपड़ा धोने के लिए, उसका 80 ग्राम वजन है, कीमत है 10 रुपया। अपने यहाँ कपड़ा धोने का साबुन आता है 165 ग्राम, 165 ग्राम कीमत वही 10 रुपये। तो ये तो आपको बता रहे हैं कि रेट किसका ज़्यादा है। अगर आप हेलो ये जो है ना रेट किसका ज़्यादा है, ये बाजार वाले का या हमारा? बाजार वाले का। अब मजे की बात है, चौथा नंबर बात, जो लोग कार्ड बनाए हुआ है उसको हर सामान पर खरीदते ही समय 10-20% का छूट तुरंत मिलता है, हाथों हाथ। जिनका कार्ड बनाया हुआ है उसको 380 रुपये में तेल नहीं मिलता, कार्ड वाले को तेल मिलता है 212 रुपया लीटर। नमक का 20 रुपया रेट है लेकिन कार्ड वाले को मिलता है 15 रुपया किलो। 40 का जो साबुन है नहाने का मिलता है कार्ड वाले को 35 रुपया। 10 रुपए का जो साबुन है कपड़ा धोने का कार्ड वाले को मिलता है 9 रुपया। हर सामान पे खरीदने वाले को किसका कार्ड बना हुआ उसको मिल जाता है छूट, कितना? 100 में 10 टका से लेके 20 टका तक। अगर 1000 का सामान ले रहे हैं तो 200 रुपए का छूट मिल जाता है। ये छूट में लाके सामान खा लिए। अब पांचवा फायदा क्या है कि 1 लीटर तेल खरीदने से फिर 10-32% हर ग्राहक को सब्सिडी कहिए या कमीशन हर ग्राहक के खाते में भेजा जाता है महीने के हिसाब से। यानी 1 लीटर तेल ला के खा लिए। हेलो औरत सब जो बैठती है कहीं भी तो कभी भी वो शांति हो, कान ऊपर वाला सबको दिया, सब यही बैठी हुई सुन रही है, आप क्या समझा रहे हैं?